हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा है कि एक महीने के वीजा में बिल्कुल भी मत आइए, इसका क्या कारण है, क्यों मैंने बोला है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर आप टूरिस्ट हैं, टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं, घूमने के लिए आना चाहते हैं, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, तो देखिए 14 दिन का टूरिस्ट वीजा है या शॉर्ट टर्म एंट्री वीजा है जो कि 30 दिन का है, एक महीने का है, तो आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जो लोग घूमने आना चाहते हैं उन लोगों के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, उन लोग आराम से 14 दिन का या एक महीने का वीजा लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी के, जो लोग आते हैं जॉब सीकिंग के लिए, यानी कि जॉब सर्च करने के लिए। अगर आप जॉब सीकर वीजा के लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल जॉब सीकर वीजा लीजिए, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर आप विजिट वीजा लीजिए, लेकिन एक महीने का विजिट वीजा लेके बिल्कुल भी मत आइए। स्टेटस चेंज होने में प्रॉब्लम होगा, इंटरव्यू के लिए आपको प्रॉब्लम होगा, कंपनी आपको कंसिडर नहीं करेगी, बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हो रही हैं एक महीने के वीजा में। अगर आप एक महीने का वीजा लेके आते हैं आपकी जॉब लग भी जाती है तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, एग्जिट किए बिना आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा एक महीने वालों का। अब बात करते हैं, कंपनी अगर आपको एंट्री परमिट में बुलाती है, एक महीने का एंट्री परमिट है आपका, एंट्री परमिट में आपको बुलाती है, यानी कि एक महीने के विजिट वीजा में बुलाती है और बोलती है कि हम वर्क वीजा लगवा देंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जॉब सर्च करने आ रहे हैं, फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस भी है लेकिन यूएई आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो बिल्कुल भी मेरी सजेशन यही है कि एक महीने के विजिट वीजा में बिल्कुल भी मत आइए। जब आप एक्सटेंड करवाएंगे वीजा तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, एक महीने का विजिट वीजा एक्सटेंड होने में भी अभी दिक्कत हो रहा है, लेकिन अगर आप 2 महीने का या 3 महीने का विजिट वीजा लेके आते हैं तो वो और 2 महीने आपका एक्सटेंड हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं तो एक महीने वाला वीजा को आप लोग अवॉइड कीजिए, ठीक है। एक महीने का वीजा छोड़ के आप लोग 60 दिन का या 90 दिन के वीजा में आप लोग आ सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं 90 दिन का वीजा बंद हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ है, मे बी स्लो हो गया, प्रोसेस स्लो हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी, और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कुछ अर्जेंट क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, वहां पे मैं जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।